मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़कियाँ देख रही है, तो जो भी अपने हस्बैंड हो, सब कुछ उनको स्पेशल फील कराने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो बहुत दुखी रहते हैं अंदर अंदर से से। तो बहुत सारी चीजें मैंने ले तो ली है, बहुत सारी मतलब जो जो मुझे समझ आई वो ले ली है आप लोगों को मैं। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग एक्चुअली। मैं हूँ प्रणाली, मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेज पाटिल। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो आज है 13 फरवरी यानी कि किस डे, और कल है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे। आज घर पे मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं बोला, आप मैंने उनको बोला कि आज आप जाओ जल्दी सुबह सुबह जिम जाओ, क्योंकि मुझे कुछ तो थोड़ी बहुत ऐसी प्लानिंग्स करनी है फॉर वैलेंटाइन, क्योंकि अगर वो रहते हैं ना तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, फिर वो सब उनको पता ही चल जाता है ऑलरेडी। तो नहीं, मैंने सोचा कि चलो आज मैं खुद करती हूँ सारी चीज़ें। तो कुछ प्लान करने के लिए मैंने उनको बोला है कि नहीं आप थोड़ी देर अभी घर मत आना, ऑलरेडी वो 10:30 बजे से गए हैं और अभी टाइम हो रहा है आप देख लो 11:30 हो चुका है और अभी मैं फ्री हुई हूँ, थोड़ा काम वाम घर के करने थे वो करके, और अब मैं जा रही हूँ बाहर। मेरे पास ना स्कूटी है ना कुछ है, और मैं मतलब जाना था मुझे, लेकिन अब मैं कैसे जाऊँ मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैंने नीचे वाली दीदी को बोला है कि स्कूटी आप दे दो मुझे, तो अगर वो दे देंगी अभी तो फिर मैं स्कूटी से जाऊंगी, नहीं तो मैंने तो सोचा था कि अगर सोचा था कि अगर आज मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं पैदल ही चली जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि यार कुछ तो करना चाहिए ना, मतलब ये यही तो मौके होते हैं जब हम अपने लव वंस को खुश कर सकते हैं। खुश करना मतलब उनको स्पेशल फील करा सकते हैं कि वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, एंड आई थिंक ये सभी को अपने प्यार के लिए, वो फिर मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, तो करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग ये है कि मेरे पापा का भी बर्थडे है कल, 14 फरवरी है, तो मेरे पापा बोलती थी, मैं पापा नहीं बोलती थी, पापा बोलती थी, तो कल मेरे पापा का भी बर्थडे है, तो देखते हैं उनके लिए। अब वो इस मतलब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें बहुत सारी हमारे साथ हैं, तो लेट्स सी क्या क्या मैं कर पाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, कुछ प्लान किया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्कूटी तो मिल चुकी है, स्कूटी से अब जा रही हूँ मैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली ना मैंने भी कुछ ऐसा सोचा हुआ नहीं है, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, लेकिन अब उसमें से क्या क्या पॉसिबल हो पाता है ना वो देखते हैं। फिलहाल तो चलते हैं अपन। बहुत सारी चीज़ें मैंने ले तो ली है, बहुत सारी मतलब जो जो मुझे समझ आई वो ले ली है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अभी घर जाके। तो घर जाके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, जब मेरे हस्बैंड खोलेंगे तब दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं, वो आ चुके हैं, मैंने चाबी घर पर ही रख कर आई थी। तो चलिए घर चलते हैं, और केक बनाने का सामान में थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे कि मैं बनाऊं या ऑर्डर दे दूं, लेट्स सी क्या होता है। मेरा दिमाग अगर ऐसा लग गया मुझे कि चलो बनाते हैं तो बना लेंगे, नहीं तो फिर ऑर्डर पे। तो आ चुकी हूँ मैं, और ना मम्मी आई थी शायद घर पे, मैं बाहर गई थी जब, तो मम्मी के साथ मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं बाहर, आई थिंक घर पे गए हैं हमारे वाले, और मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, क्योंकि यार 2 बज गया, मैं बहुत देर से गई थी और ना खाना कुछ भी नहीं बनाया, वो जिम से आते हैं ना तो उनको एकदम से भूख लग जाती है, तो वो शायद ना थोड़ा चिढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ गई हूँ, और लेकिन उनको ये भी पता है कि मैं बहुत कम मतलब कहीं ऐसी अकेले जाती हूँ, मैं अकेले कहीं जाना मुझे थोड़ा इतना पसंद नहीं है, तो वो शायद समझ जाएंगे। लेकिन चलो फटाफट से मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल बनाती हूँ गर्मा गर्म, और रोटियाँ बनाऊँगी साथ में, कोई सब्जी अगर मेरी तो ठीक है, नहीं तो दाल रोटी और चावल ही आज हम खाने वाले हैं हमारे लंच में, एकदम सिंपल सा। तो चलिए मैं वो बना लेती हूँ, और वो जब आएंगे ना तो उनसे भी आपको मिलवाती हूँ, ठीक है। और मैंने क्या क्या लेकर आया है ना वो तो आज आपको रात को ही पता चलेगा। अच्छा तो देखो, मेरे को पता था कि ये घर आएंगे और इनको लगी होगी कड़ाके की भूख, मेरे को कुछ भूख उगने लगी, तो फिर क्यों मैंने नहीं बोला कि तेरे को लेके आने के लिए, मैंने आपने नहीं बोला, पर मुझे तो पता था ना कि आपको भूख लगी होगी। ऐसे ले कैसे ली तूने, तो क्यों क्या मैं शादी के पहले जाती नहीं थी दुकान? शादी के पहले की कई चीजें अलग अलग होती है, चुप, मैं शादी के पहले जाते सब लेती थी। तू जब जान में छोड़, लो खाओ। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं बैतूल से, और जैसे कि आपको पता है सुबह से ये वाला व्लॉग चल रहा है, तो अभी इनको कुछ पता है नहीं, बट अब रात हो गई है और मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ कहीं भी, तो मैंने इनको लेकर मतलब मुझे जाना पड़ रहा है बस्ती थोड़ा सा, जहाँ पर मैंने बता ही देती हूँ केक का ऑर्डर दिया था, तो केक लेने के लिए जाना है मुझे। समझ आ गया था, क्योंकि दो तीन बार उनका फोन आ गया था ना, वो दीदी ने भी पता है इनके मोबाइल पे फोन कर दिया, तो वो
वो वाला तो समझ आ ही गया, खैर इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब रात भी हो गई है तो मैं वो वाला यानी कि और भी कुछ है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ केक ही है। नहीं, सिर्फ तो केक कटिंग कटना सरप्राइज क्या होता? अरे तो मैंने ऐसा सोचा था कि सिर्फ केक वगैरह काटेंगे अपन लोग बस वैलेंटाइन पे, और क्या करेंगे। देखो आमला के रास्ते पूरे खाली है, एक भी इंसान नहीं दिख रहा हमें। दिख गया। अरे जैसे बोला वैसे एक आदमी दिख गया। पर देखो ना हमारे इधर मतलब कितना सुनसान हो जाता ना बड़े बड़े। अरे मोबाइल ही गिर गया। सो गाइस, जिस चीज को मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी बहुत देर से वो इनको पता चली गई आखिर, तो वो तो पता चलना ही था। केक ले लिया है हमने और अब निकल रहे हैं यहाँ पर। रात बहुत हो गई है ना तो कुछ भी, अब कुछ भी खुला नहीं है तो क्या ही दिखाएंगे आपको। घर चल के आप लोगों को भी मैंने कुछ दिखाया नहीं है, केक भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं घर चल के। चलिए कहाँ जा रहे हो? कुछ बोल भी नहीं रहे हो, बस निकल। पान पान पान। अच्छा तो फाइनली पान आज आ चुका है। मेरी उस दिन से इच्छा थी। हाँ आपको बराबर याद रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे याद रहता है। तो क्या पान की दुकान दिख गई इसलिए? दिख गई इसीलिए। अच्छा उस दिन हम लोग गए थे ना बैतूल से आ रहे थे तो उस दिन पान खाना था लेकिन वहाँ पे मिला ही नहीं, फिर आज मिल गया फाइनली। चले हाँ जल्दी चलो मेरे को बहुत काम है। अच्छा मैं नीचे बैठ के गाड़ी गाने सुनना पड़ेगा गाड़ी में। ऑब्वियसली उतना तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी तो 11 बज ही गए। नहीं तो पूरा पूरा ये बंद कर दो म्यूजिक। अच्छा इधर चलते हैं अपन। हाँ ये बाप रे, इधर से देखो पूरी नाली है तो पूरा नाली का पूरा के पूरा खोद दिया है यार सब तरफ। देखो ये देखो ना, ओ गॉड कितना नुकसान, कितना नुकसान हुए, कितना नुकसान। ये देखो इतनी चौड़ी रोड है भाई। तो ये लोगों ने सब ऐसा करके रखे थे क्या? इतनी चौड़ी रोड है क्या? बाप रे मैं देखो तो कितनी चौड़ी रोड है, ऐसा लग रहा यहाँ ऐसा लगता था जैसे कि जगह ही नहीं है। हाँ तो देखो कैसा जगह, ऐसा लग रहा है जैसे कितनी जगह है यहाँ पे। वही तो। अच्छा ये भी सब उसके अंदर आता है क्या? सो गाइज ऊपर आ चुकी हूँ मैं और आप मेरी शक्ल देखो, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा इतना हेडेक हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। अभी ये बाम लेकर आई हूँ मैं, तो मैं अभी पहले थोड़ा बाम लगाती हूँ और उसके बाद मैं काम कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे सिर मुझे मेरा काम अच्छे से करने देगा। मेरे हस्बैंड को नीचे गाड़ी में ही बिठाया है मैंने, तो जल्दी जल्दी करना है, 11:30 बज चुका है। मैं सोच रही हूँ कि 12 बजे मतलब करेक्ट उनको अंदर ले आऊँ। 12:30 देखिए मैंने ना कुछ ऐसे इतने बलून जैसे फुला लिए, इतने ही लाए थे मैंने क्योंकि मुझे पता था टाइम नहीं मिलने वाला है और मैं ज़्यादा फुला नहीं पाऊँगी, तो इतने बलून सभी फुला लिए हैं। अब इसको फटाफट से यहाँ पर डेकोरेट करते हैं, ठीक है? टाइम देख लो आप, 10 मिनट बचे हैं। आई डोंट थिंक कि मैं इतनी जल्दी कर पाऊँगी बट स्टिल ट्राई कर। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है नाइट में, बहुत सिंपल सा रखा है यार, आप लोग बताना कैसा लग रहा है, ठीक है? सो ये है केक और पता है मैं ना फायर कैंडल लाना भी भूल गई। अभी दिखाऊंगी अच्छे से, ये सारे गिफ्ट्स है। आंखें बंद ही रखें। बंद ही है।
थैंक यू। आ जा जूते उतारो कि वैसे आ जा मम्मी। आप लोग देखते हो मेरे को देखने में कुछ मिल नहीं रहा है। अब इधर से घुसो अंदर। घुसो अंदर जाओ। हाँ जाओ अंदर घुसो। घुसते जाओ घुसते जाओ। बस बोल रहे थे सब लोग अब खोलू नहीं खोलू क्या आप खोलू नहीं। हाँ अब खोलो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे वाह रे भाई ये सबको बिचारी लगी अरे अकेली नहीं तो ठीक है। ये सब फुग्गे मैंने पूरे अच्छे से ऐसे लगाए थे पूरे गिर रहे हैं। एक बाय एक भी नहीं टिक रहा वहाँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू आपको भी मतलब हैप्पी वैलेंटाइन। सिर दुख रहा है ना। हाँ हल्का सा दुख रहा था मेरे को। बम की मैंने भी पान दिया है ना। हाँ। सो फाइनली अब हम लोग केक कट करने जा रहे हैं। मैंने बताया ना कि कई लोग केक क्या ढंग से बोलते तक के नहीं है एक दूसरे से बात तक के नहीं करते ये सब चीजें रहती है। तूने तो इतना सब कुछ कर लिया भाई मेरे लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। इतनी मेहनत कर ली तूने इतना इतना कुछ नहीं किया मैं करने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं हो रहा हुआ लग नहीं रहा। ये सबसे चीज है कि दिल से किया ना। हाँ। दिमाग से नहीं किया दिल से किया बस वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चल अपन कार को पर। सो अब हम खोलने वाले हैं गिफ्ट। हम मतलब मेरे हस्बैंड खोलने वाले हैं। सो कैसे स्टार्ट करें आपकी मर्जी आप जो खोलना चाहते हो वो खोलो। पहले पहले छोटा वाला। सबसे पहले छोटा वाला। देते हो क्यों नहीं देते हो आप तो एक बार में सबसे बड़ा दे देते हो ना। मैं तो छोटे 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 देती हूँ। मग दिख रहा है मेरे को हा? देखो आप खोल के ये आपके काम का है। खोलो तो अंदर से तो खोलो। कैसे खोलूंगा ऊपर से ढक्कन खुल जाएगा उसका। कैसे ऊपर खींचो ना ढक्कन खींचो ऊपर। एक खींच दिया ना वो नहीं वो ढक्कन पूरा ऊपर खींचो। अच्छा, हाँ इसमें अब आपको जैसे गर्म करते हो आपको ठंडी हो जाती है आपकी कॉफी बार बार तो इसके अंदर अब गर्म ही रहेगी हमेशा। अच्छा लग रहा है ना। और आप उसको सिप करके भी पी सकते हो जैसे आपको कुछ और पीना है तो डायरेक्ट। हाँ ऐसे भी। ये बड़ी अच्छी चीज लगी है यूनिक था यार ये तो। सही सही बताओ। सही में बहुत अच्छा था यार यूनिक है मेरे लिए। और वो रबर है नीचे तो ऐसा स्लिप भी नहीं होगा कहीं से एकदम से। चलो नेक्स्ट।
सेकेंड गिफ्ट खुल जा सिम सिम समझे कि 500 ml का कुछ है यानी कि ये है वाटर बॉटल। हाँ सही पकड़े हो। नहीं तो जूस जूसर जूसर यार ये अच्छा दोनों का काम हो जाए दोनों का नहीं सिर्फ आपका ही होगा उससे। कैसे खोलो तो यार ये महंगा है यार प्रणु यार गिफ्ट तो अच्छा आज इससे क्या होगा पता है जैसे कि आप अब जिम जाते हो तो आप कोई भी फ्रूट उसमें डाल के लेके चले गए और वर्कआउट करते करते उसको चार्ज करके लेके जाना और बस जैसे आपको ऐसा लगा प्यास लग रही है तो उसके अंदर अपना फ्रूट जो भी लेके जाओगे संतरा केला उसको ब्लेंड कर लेना उसको दबा के रखो इसको हाँ ये सब ब्लेंड हो जाएगा उसमें जो भी आप ले जाओगे मतलब तुरंत शेक बन जाएगा फ्रेश तो आप जिम करते करते ये पी सकते हो और उसके अंदर स्ट्रॉ भी दिया है आपको और अगर स्ट्रॉ से नहीं पीना है तो ऊपर का निकाल लेना और आप ग्लास जैसा बना के भी पी सकते हो। स्ट्रॉ भी दी है ये भी दिया है यानी जिम से रिलेटेड है भाई सारी चीज है ना। चलो अब दो चीज हो गई है एक और एक है कुछ नहीं अब है तीसरा तीसरा ये कुछ डिफरेंट दिख रहा है ना दूसरे ये ना दूसरे शॉप से तीनों तो एक शॉप से है और मेरे को पता ही है कौन सी शॉप से है। आराम से चॉकलेट का डब्बा अच्छा इसके अंदर और कुछ होगा यार चॉकलेट ही दी है ढेर सारी इतनी सारी चॉकलेट क्यों मगर मन किया मेरा। अच्छा उसके अंदर तो खोलो पूरी चॉकलेट तो हटा लो तो बोले चॉकलेट ही है तो फिर मैंने हाँ तो ऐसा तो नहीं देखना तो चाहिए पूरा हटा हटा के। अच्छा इसके अंदर कुछ और भी है ओ टी शर्ट मेरे को छोटी नहीं होगी रही एक्सेल एल है ना पता नहीं मेरे को तो चेंज कर सकते हैं। ये अंकित के यहाँ से लिए है वहीं से लिए कौन अंकित ये का अच्छा ठीक है जहाँ से भी होंगे इसको देखेंगे अच्छे लग रहे हैं। मैंने रेड इसलिए लिया क्योंकि वैलेंटाइन है उसके पास और भी कलर थे पर आप ये जिम में भी पहन सकते हो या आप नॉर्मल भी पहन सकते हो नहीं हो जाएंगे वही तो मैं बोल रही हूँ जिम के लिए मेरे पास टी शर्ट नहीं थी। हाँ थैंक यू इसलिए थैंक यू सो मच। खुशबू नई चीज की खुशबू अलग ही होती है भाई। अब ये आ गया भैया आखिरी गिफ्ट इसको थोड़े प्यार से खोलना है। क्यों आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है चलो गैस करो पहले इसमें कुछ यादें हो सकती हैं। गैस करो यादें हो सकती है जैसे नहीं 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 और देखने से ही पता चलेगा। अरे कुछ तो गैस तो करो यार थोड़ा सा तो मतलब दिमाग लगाओ अपना अंडरवेयर तो नहीं है भरोसा नहीं है तूने अच्छा लगा मगर मेरे को सारी चीजें काम काम के हाँ मैंने इस बार ना कुछ भी ऐसा फालतू नहीं लाया मतलब इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो पढ़ा ना रहे ऐसे ही फिर क्योंकि प्रणु को मेरी आदत पता है वो क्योंकि मैं देती हूँ वो ऐसे ही पढ़ा रहता है कोई काम में नहीं आता है। क्या है यार किधर से फोटो उसको गैस करो अच्छा अब वहां से ही गैस करो चलो हाथ मत लगाओ ना ट्रैक सूट। अरे यार अरे फाइनली मेरे पास जिम का बैग आ गया यार मैं फटा वाला बैग लेके जाता था। हाँ यार मेरा बाबू फटा जिम का बैग लेके जाते थे इतने दिन से इस बार सारी चीजें मेरी बहुत काम की चीजें हैं इस बार यानी मैं थोड़ा सा अच्छा लगूंगा यानी जिम जाते समय
हाँ मैंने कुछ भी फालतू नहीं लाया, मतलब थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा मैं, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है उसमें, देखो अलग से कंपार्टमेंट है उसके लिए, जूतों के लिए। जूतों भी लेके उस साइड से है ना, साइड से चेन है उसमें, आप अलग से जूते रख सकते हो अपने। अच्छा क्वालिटी भी अच्छी लग रही है ना। सो मैं बहुत इससे यानी मैं ये सब चीजें खरीदता नहीं हूं। मैं मुझे बताइए कब से बोल रहे थे कि जिम का बैग लेना है, लूंगा लूंगा लूंगा, वो कब से रखा का रखा ही, मतलब लिया ही नहीं, वो फटा लेकर जा रहे थे लेकिन वो लेकर नहीं जा रहे थे नया। मेरे को ये और टी शर्ट तो नॉर्मल लगी, हाँ है ऐसा कुछ नहीं है, टी शर्ट का बहुत वो नहीं रहा, मगर ये तीन चीज और चार चीज यानी वैसे सभी सभी चीज यूज़ तुम्हें मेरे को बहुत ध्यान में रखते हुए दिया है तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा ना सही में? सही में बहुत अच्छा लगा, और ये तो कुछ ज्यादा ही यूनिक था, मैं सोच भी नहीं सकता था इसको। ये पता है मतलब हमेशा ना हम लोग वीडियो बनाने के लिए बैठते तो फिर ये बोलते प्रणु कॉफी ठंडी हो गई फिर गरम करके ला, तो इसमें अब गरम रहेगी, मतलब अपन गरम चीज डालेंगे ना तो गरम रहेगी उसमें। ग्रेटफुल थैंक यू सो मच। चलो वही पसंद आया वही बहुत है मेरे लिए। पसंद आया मेरे को, इसका कलर भी देखना कितना यूनिक अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। सो आई होप आज का ये वाला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है यार इनको अच्छा लगे, अच्छा लगा ना पक्का, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। ये ना पता है मैं इनको इतने दिन से बोल रही थी कि आप जिम का एक बैग ले लो, एक बैग ले लो, वो पता है मैं आपको दिखाऊं कौन सा लेकर जाते थे। नहीं, 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 नहीं जानते इतना। आपको पता है लिटरली ना वो अंदर से उसकी जो सिलाई थी ना वो उधड़ चुकी थी और वो उसी को लेकर जाते थे, लेकिन आज आप फाइनली ये अच्छा वाला बैग लेकर जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं यार अच्छा अच्छे लग रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो कोई सेलिब्रिटी टाइप के मतलब ऑलरेडी क्योंकि इनको वहां पर सब लोग बोलते हैं कि अरे आज यूट्यूबर नहीं आया, तो ये लगना चाहिए ना उस तरीके के, इसलिए तो चलो अब थोड़ा अच्छा लगेगा। अब फिर फ्यूचर में आप इससे ज्यादा अच्छा लोगे, आप अपने हिसाब से लोगे, मेरे को जो समझ में आया मेरी बुद्धि के हिसाब से मैंने लाया, यानी कि मेरे को ये चीज मिल गई यूजेबल सब कुछ सारी चीजें। हाँ मैंने कुछ भी इस बार ना ऐसा फालतू नहीं लाया, जो सीनरी हो गई ये हो गया जो रखा रह जाए ये यूज भी ना करे, तो बस यही था छोटा सा मेरी तरफ से गिफ्ट इनके लिए वैलेंटाइन का। अच्छा और मेरे हस्बैंड इतने प्यारे हैं मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बहुत मेरे लिए इतना मेरा ख्याल रखते हैं हर एक चीज, मतलब एक आपको आप यकीन नहीं करोगे छोटी छोटी चीज का इनको ध्यान रहता है मेरी, प्रणु तूने ऐसा नहीं किया आज ये नहीं किया प्रणु तू, मतलब मेरे को अपने आप को अच्छा बनाने के लिए हर एक छोटे छोटे चीज समझाते रहते हो। तू ये भी सोच सकती है कि मैं तेरे को छोटा बनाने के लिए सोच छोटा नहीं, मेरे को तुरंत के लिए गुस्सा आता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करती हूँ, नहीं मेरे को ऐसा लगता है यार कितना बोल रहे कितना बोल रहे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब अपन स्टेबल हो जाओ थोड़ा समझ लो तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार ये तो अपने लिए ही बोल रहे हैं ना, उनका क्या फायदा है, मैं अच्छा मैं वेट लॉस करूंगी मैं जिम जाऊंगी मेरी सेहत अच्छी होगी तो उनका क्या फायदा है उसमें, मेरा ही फायदा है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब बाद में रियलाइज होती है, लेकिन हर एक चीज आप अच्छे के लिए बोलते हो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, और मेरे लाइफ में आने के लिए बहुत सारा थैंक यू यार। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़कियाँ देख रही है तो जो भी अपने हस्बैंड हो सब कुछ उनको स्पेशल फील कराने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो बहुत दुखी रहते हैं अंदर से, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें पता है उनको बहुत खुशी देंगी। आप महंगी महंगी चीजें दे दोगे ना, मगर मैं कब से इसको नहीं ले पा रहा था, मेरा एक सपना था कि यार ये यानी सब एक सपना तौर पे कि मैं दूसरों को देखता हूँ जिम पे ऐसा पहन के यानी कि ऐसा डाल के आते, तो मैं उनको देखता था, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इसीलिए आप भी अपने जो लव वन है या जो भी है उसको ऐसी छोटी छोटी चीजों से खुशी दिन, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी चीज से बहुत खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कैसे अपना वैलेंटाइन मनाया हमें कमेंट्स में जरूर लिखना, और कल तो अभी पूरा वैलेंटाइन डे बाकी है बट हम लोग कल कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि उसके पीछे कुछ तो रीजंस है। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे गिफ्ट्स भी पसंद आए होंगे, अगर आप लोगों को इन सारे गिफ्ट्स में से सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा है ये भी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में या अगले वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, बाय।